पूर्व की ज्योति, सृष्टि में स्थित अनंत ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में स्थित अनगिनत ग्रह उपग्रह, जिनमें एक हमारी पृथ्वी माता है। पृथ्वी पर अर्वाचीन सभ्यता की उद्गम स्थली हमारा महान देश भारत है, और भारत देश में अति सुरम्य पर्वतीय पावन देव भूमि उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ही 19वीं सदी के समापन और 20वीं सदी के प्रारंभ के संधिकाल 8 नवंबर सन 1900 की मंगल बेला में एक अत्यंत उदार एवं धार्मिक परिवार में नन्हे शिशु के रूप में योगीराज परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज का आगमन हुआ। बाल्यकाल में महाराज श्री अपने सखाओं के संग बाल क्रीड़ा करते हुए अनायास ही पूर्व जन्म के योग सिद्ध योगियों की भांति अंतर जगत में परमात्मा की ज्योति व अनहद नाद की दिव्य ध्वनि का अनुभव करने लगते थे। कुछ समय के उपरांत उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी से उस परम तत्व का विधिवत उपदेश प्राप्त किया और गहन साधना में लीन हो गए। प्रभु के सच्चे नाम और सत्य स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार कर लेने पर उन्हें महसूस हुआ कि अनेक मत मतांतरों के पीछे भागती हुई दुनिया को ईश्वर साक्षात्कार के सच्चे मार्ग व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से जगाना होगा। तत्पश्चात अपने महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे निकल पड़े। परम संत श्री हंस जी महाराज कहीं पैदल, कहीं बैलगाड़ी पर और कभी किसी अन्य साधन से गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर सबको, और कभी खेतों में हल चलाते किसान को सत्संग सुनाते। मानव शरीर की महत्ता, भजन की आवश्यकता और श्वासों में समाहित पावन नाम का अनवरत सुमिरन, भ्रिकुटी में ब्रह्म ज्योति, अनहद नाद, सहस्रार से स्रवित अमृत पान ही उनके वक्तव्यों के विषय हुआ करते थे। अविभाजित भारत के लाहौर, सिंध इत्यादि स्थानों पर भी उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए और जन साधारण को जात पात, धर्म, संप्रदाय और ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर प्राणी मात्र में समान रूप से स्थित आत्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन करने की प्रेरणा दी। अध्यात्म ज्ञान प्रचार के पुनीत उद्देश्य से रचित श्री हंस योग प्रकाश उनकी स्वलिखित अनमोल कृति है। तपोभूमि हरिद्वार में श्री महाराज जी ने जहां नेवले और सर्प को सप्रेम एक साथ पानी पीते हुए देखा, ठीक उसी स्थान पर उन्होंने श्री प्रेम नगर आश्रम की स्थापना की। कालांतर में ये आश्रम उनके आध्यात्मिक दर्शन के प्रचार का प्रमुख केंद्र बना। ममतामयी माता श्री राज राजेश्वरी देवी ने श्री हंस जी महाराज के आध्यात्मिक कार्यों और संगठन को संभालने में एक सुदृढ़ आधार स्तंभ की भूमिका निभाकर उनके कार्यों को नई प्रगति प्रदान की। सन 1951 में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का जन्म हुआ और उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हंसादेश मासिक पत्रिका की शुरुआत की। सन 1963 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में
एक विशाल सत्संग आयोजन किया गया जिसमें हजारों अध्यात्म जिज्ञासुओं ने भाग लिया और नाम की दीक्षा प्राप्त की। परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की पावन स्मृति में प्रत्येक वर्ष श्री हंस जयंती के उपलक्ष्य में विराट सत्संग समारोह आयोजित किया जाता है। परमाणु बम से संपूर्ण विश्व की रक्षा हेतु विश्व शांति विस्फोट नामक जन आंदोलन की दिशा दिखाकर उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के हित में विश्व शांति संदेश दिया। माननीय लाल बहादुर शास्त्री तथा नेहरू जी जैसे तत्कालीन राजनेताओं से मुलाकात कर राष्ट्र निर्माण व समाज के नैतिक विकास हेतु आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। श्री हंस जी महाराज के जीवन काल में किए गए समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरण के कार्यों को यहां पूरी तरह व्यक्त कर पाना कठिन है। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से अनेकानेक वर्षों से मानव उत्थान सेवा समिति उनके सिद्धांतों पर चलकर जन कल्याणकारी गतिविधियों में अनवरत रूप से संलग्न है। आइए श्री हंस जी महाराज के महान त्याग कठोर तप और अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण जीवन से शिक्षा लें और उनकी पावन जयंती पर उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में चरितार्थ करने का संकल्प भी लें। इस प्रकार हम सभी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करें।